नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए और ज़बरदस्त वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो है बहुत ही प्राइम लोकेशन पे बने हुए अपार्टमेंट का वीडियो ही होने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से बने हुए हैं, प्राइस भी बहुत खूबसूरत यहाँ पे होने वाली है। लोकेशन का तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। बात करेंगे अपन, ये अपार्टमेंट जो है G+2 बने हुए हैं। नीचे की तरफ कम्प्लीटली यहाँ पे पार्किंग का स्पेस मिल जाता है आपको। अपार्टमेंट कम्प्लीट 6 ही फ्लैट यहाँ पे बने हुए हैं, जिसमें से 5 फ्लैट ऑलरेडी सोल्ड आउट है। मात्र ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यही यूनिट यहाँ पे अवेलेबल है। प्राइस बहुत खूबसूरत होने वाले, साइज डायमेंशन सबके बारे में बात करेंगे। एक बार जो है मैं बाहर से आपको एक बार टूर यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, क्योंकि हम ऐसी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी की वीडियो आपके इंसान लाते रहते हैं। तो लोकेशन जो होने वाली है वो है मानसरोवर में, सेंट एंजेलम स्कूल जो है उसके बिल्कुल सामने, मात्र 100 मीटर मेन रोड से, मात्र 100 मीटर अंदर की तरफ ये लोकेशन यहाँ पे होने वाली है। तो देखिए, यहाँ बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि कुछ इस तरीके से आपको एंट्रेंस यहाँ पे मिलने वाली है। बाहर की तरफ आके दिखा दीजिए एक बार, आपको जो लिफ्ट का प्रोविजन है यहाँ पे, लिफ्ट भी आपको लगा के दी गई है। कुछ ऐसे आपको लिफ्ट का प्रोविजन यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टेयर्स के प्रोविजन की बात करूँ तो इधर की तरफ आप स्टेयर्स का प्रोविजन देख पा रहे हैं, जो कि छत की तरफ आपको यहाँ पे लेके जाने वाला है। बढ़ते हम देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। तो मेन जो डोर की सनमाइका की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से मेन डोर की सनमाइका आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। काफ़ी अच्छे और काफ़ी हाइट तक ये जो है यहाँ पे डोर दिए गए हैं। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है आपको डाइनिंग ड्राइंग एरिया का स्पेस, जो कि काफ़ी स्पेसियस है। आप आराम से इजीली डिवाइड यहाँ पे कर सकते हैं, ड्राइंग इधर कर सकते हैं, डाइनिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। इजीली तरीके से इसको आप यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है आपको वुडन का काम किया हुआ टीवी पैनल, जो कि पूरा फुली स्पेसियस है। बड़े से बड़ा टीवी आप इजीली यहाँ पे इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ ऊपर की तरफ बात करूँ मैं तो यहाँ पे देखिए फॉल्स सीलिंग, बहुत ही प्यारी तरीके से फॉल्स सीलिंग डिज़ाइन करके दी गई, जो कि लैम्प्स LED लाइट्स जो है बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे दी गई है। ओरिएंट कंपनी के यहाँ पे फैंस आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। ठीक, इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है आपको खूबसूरत सा एक हैंड वॉश का प्रोविजन, जो कि स्पेसियस है। टाइल्स का काफ़ी हाइट तक यहाँ पे काम किया गया, जिससे सीलन वगैरह की कोई भी शिकायत यहाँ पे आपको नहीं आने वाली। हर एक चीज़ यहाँ पे ब्रांडेड आपको यहाँ पे यूज़ करके दी गई है। बहुत ही प्यारे तरीके से इसको यहाँ पे बनाया गया है। देखिए डाइनिंग ड्राइंग एरिया की इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है आपको किचन का स्पेस। किचन देखिए कितना स्पेसियस है, देखिए इतना अच्छा स्पेस किचन का भी आपको दिया गया है। एल शेप में मिल जाता है आपको यहाँ पे किचन का स्लैब, जिसकी बात करूँ तो मैं यहाँ पे ग्रेनाइट का टॉप लगा के दिया गया, साथ साथ में टाइल्स का भी वर्क यहाँ पे किया गया। टाइल्स के वर्क की फायदा ये हो जाता है कि जब भी आप खाना वाना बना रहे हैं तो छीटी वीटी लगे तो आप इजीली इनको वॉश यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए मॉड्यूलर किचन यहाँ पे तैयार किया गया है कम्प्लीटली, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रैक्स वगैरह यहाँ पे लगा के दी गई है। नीचे की तरफ भी देखते तो यहाँ पे भी आपको रैक्स वगैरह काम कम्प्लीट यहाँ पे दिखाई देने वाला है। किचन में भी आपको मिल जाता है बहुत ही प्यारा सा फुल सीलिंग का वर्क, जो कि देखिए काफ़ी प्रीमियम लुक आपको यहाँ पे देने वाला है। देखिए चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, साथ ही ये वीडियो उन लोगों तक फैलाने की कोशिश कीजिएगा जिन लोगों को ऐसी एक अपार्टमेंट की जरूरत है, ऐसी फ्लैट को लोग देख रहे हैं। सामने यहाँ पे मिल जाता है आपको वेंटिलेशन के लिए परफेक्ट यहाँ पे विंडो, और यहाँ पे देखिए आपको बाकायदा RO भी यहाँ पे लगा के दिया जा रहा है। बात करें अगर फ्रिज के स्पेस की तो यहाँ पे आपको एक फ्रिज का स्पेस मिल जाता है, जहाँ आप इजीली आपका फ्रिज इंस्टॉल कर पाएंगे। अभी हमने देखा डाइनिंग ड्राइंग एरिया, देखा किचन, देखा बेडरूम्स हम देख लेते हैं इधर की तरफ। पहले आपको एक कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ पे मिल जाता है, उसका भी एक बार मैं लुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे मिलता है कॉमन वॉशरूम, देखो तीनों बेडरूम में आपको तीनों ही बालकनी आपको बेडरूम्स में मिलने वाली। यहाँ देखिए टाइल्स का कितना प्यारा यहाँ पे काम किया गया है, वेंटिलेशन का पूरा परफेक्ट यहाँ पे ध्यान रखा गया है। इंडियन सीट आपको यहाँ पे लगा के दी गई। फिनिक्स की बात करूँ तो ब्रांडेड कंपनी की आपको फिटिंग्स भी यहाँ पे मिलने वाली है। रूम साइजेस की बात करूँ मैं तो रूम साइजेस जो है वो होने वाली यहाँ पे लगभग 10x12 के आसपास की रूम साइज यहाँ पे मिल जाती है आपको। स्पेसियस रूम आपको यहाँ पे भी डिजाइन करके दिए गए हैं। ऊपर यहाँ पे भी देखिए फॉल्स सीलिंग का बहुत ही प्यारा सा वर्क आपको यहाँ पे भी दिखाई देने वाला है। देखिए बहुत ही प्यारे लुक के साथ आपको फॉल्स सीलिंग का वर्क आपको इसमें भी दिखाई दे रहा होगा। सामने ही देखते हैं हम तो यहाँ पे मिल जाता है आपको एक बड़ा सा कबर्ड्स का स्पेस, जो कि काफ़ी बड़ा यहाँ पे होने वाला। अंदर की तरफ देखिए काफ़ी स्पेस है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ कवर्स आपको मिल जाते हैं। इसका फायदा ये है एक्स्ट्रा सामान वगैरह अगर आपको रखना है इजीली आप ऊपर की तरफ स्टोर यहाँ पे कर पाएंगे। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पे आपको विंडो मिल जाता है, और बालकनी की बात की जाए तो बालकनी आपको इधर की तरफ यहाँ पे मिलने वाली है। उधर से भी दिखाऊंगा मैं आपको उस रूम में बालकनी यहाँ पे होने वाली है। देखिए लोकेशन जो है, मैं एक बार वापस उस रूम में जब आऊंगा तो मैं आपको लोकेशन यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा। उससे पहले इधर की तरफ से हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ AC फिटिंग्स वगैरह की तो प्रॉपर जहाँ जहाँ नीड है वहाँ आपको प्रॉपर AC फिटिंग यहाँ पे मिलने वाली है। हर जगह AC फिटिंग का भी काम यहाँ पे करके दिया गया है। इस रूम के साइज़ की बात करें तो वही लगभग 10x12 के आसपास की ये रूम की साइज़ आपको मिल जाती है। यहाँ पे भी देखिए बहुत ही प्यारा सा फॉल सीलिंग का वर्क आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है। कुछ सामान वामान पड़े हैं यहाँ पे, जो इनको आप इग्नोर कीजिए, आपको कंप्लीट हटा के यहाँ पे दिए जाएंगे। इधर मिल जाता है आपको वेंटिलेशन के लिए बड़ा सा विंडो, अगर आप चाहते हैं कूलर लगाना AC नहीं लगाना चाहते तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको प्रोविजन मिल जाता है। देखिए इस रूम में भी आपको मिल जाती है बालकनी, जो कि काफ़ी अच्छी बालकनी का स्पेस यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको
एक बार कैमरामैन जी हाईलाइट करके एक बार दिखा दीजिए। देखिए सेंट एंसलम स्कूल बिल्कुल आपको सामने दिखाई दे रही होगी, जो कि बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस में यहाँ पे आपको मेन रोड दिखाई देने वाली है। देखिए दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। लास्ट जो बेडरूम है, थर्ड बेडरूम है, उसका भी लुक देख लेते हैं। वो बेडरूम यहाँ पे कैसे डिजाइन करके यहाँ पे दिया गया है, साथ ही उस बेडरूम में बालकनी का आपको स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है। बेडरूम साइज किसी की बात करूँ मैं तो वही लगभग 10x12 के आसपास की बेडरूम साइजेस यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। फोल्ड सीलिंग का वर्क यहाँ पे भी बहुत प्यारा और बहुत ही प्रीमियम क्लास का फोल्ड सीलिंग का वर्क आपको यहाँ पे मिलता है। कवर्ड्स के स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे फुली कवर्स का स्पेस आपको मिल जाता है। देखिए ये कवर्स का स्पेस है, इधर भी आपको कवर्स मिलती है, ऊपर कम्प्लीटली कवर्स आपको यहाँ पे मिलती है, जिससे कि आराम से एक्स्ट्रा आपका जितना भी सामान है इजीली आप इनमें स्टोर कर पाएंगे। यहाँ मिल जाता है आपको एक अटैच वॉशरूम, जिसका लुक एक बार दिखा दीजिए अंदर की तरफ से, काफ़ी स्पेसियस है। टाइल्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा यहाँ पे दिया गया है, वेंटिलेशन का यहाँ पे भी आपको प्रॉपर ध्यान रख के काम किया गया है। फिर देख लेते हैं अपन यहाँ सामने की तरफ जो बालकनी है उसका लुक देख लेते हैं। देखिए काफ़ी अच्छी स्पेसियस बालकनी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी चौड़ी बालकनी यहाँ पे भी दी गई है, टफरन ग्लास यहाँ पे लगा के एसएस का यहाँ पे काम आपको दिखाई देने वाला। सराउंडिंग आसपास की लोकेशन एक बार देख लीजिए, कम्प्लीटली बसावट पूरा एरिया आपको यहाँ पे बसा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स अभी जो हमने देखा, ये जो अपार्टमेंट है, फ्लैट जो है, 3 बेडरूम यहाँ पे होने वाला है। साइज़ की बात करूँ लगभग 1350 square feet इसकी साइज़ यहाँ पे होने वाली है। बात की जाए अगर प्राइस की, 45 लाख रुपये इसकी प्राइस रखी गई है, जो कि नेगोशिएबल है। आप फ़ोन करके बिल्डर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, बिल्डर के नंबर आपको मैंने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ जाके डायरेक्टली आप उनको कॉल कीजिए, अधिक जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस लोकेशन के हिसाब से इस प्राइस में आपको नियर बाई कोई भी अपार्टमेंट यहाँ पर नहीं मिलने वाला, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। एक ही फ्लैट यहाँ पर बचा हुआ, जल्दी कीजिए कॉल कीजिए। अंत में दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बाकी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर ही दूंगा मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।